जम्मू कश्मीर में तनाव बरकरार है। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से ही घाटी में कर्फ्यू जारी है। घाटी में सुरक्षा बलों की गोलीबारी से दो दिनों में 6 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद हिंसा में अब तक 65 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच घाटी में जारी तनाव को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ और आईबी के प्रमुख मौजूद रहे। मैं पुलिस का कहना है कि घाटी में सभी 10 जिला मुख्यालयों में कर्फ्यू और प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको बता दें कि अलगाववादी पहले ही 18 अगस्त तक कश्मीर बंद बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके मद्देनजर सभी शैक्षणिक संस्थान, दुकानें, सार्वजनिक यातायात के साधन और अन्य प्रतिष्ठान 9 जुलाई से ही बंद है। हालांकि बैंक, डाकघर और सभी सरकारी कार्यालयों में संचालन जारी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आईबी ने चेतावनी जारी की है कि करीब 60 से 70 फिदायीन पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसने की फिराक में हैं। सोमवार को भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। एक तरफ कश्मीर में हिंसा जारी है तो दूसरी तरफ सीमा पार से हो रही घुसपैठ ने घाटी की शांति को भंग किया हुआ है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि सरकार सख्त कदम उठाए ताकि घाटी में जनजीवन सामान्य हो सके। देखते रहिए जीबी लाइव।